हेलो एवरीवन, खमागली सो ऑल। और आज आपको बताऊंगी मैं एक अच्छी सी, खास सी, थोड़ी स्पेशल सी रेमेडी है फेस के लिए। जैसे मेरे पिंपल्स वगैरह हो रखे हैं, मैं क्या करती हूँ ना, मैं कभी भी पिंपल्स आपके हों, सो ये आपके लिए भी है हैक कि आप कभी भी ना गलती से अपने पिंपल्स को ऐसे स्क्वीज मत करना, फोड़ना मत, कुछ भी ऐसा मत करना, उससे क्या दाग रह जाता है। सो आप जैसे कि देख रहे हो, मैंने क्या किया था, मेरे पिंपल हुआ थे यहाँ पर, सो मैंने इसे फोड़ा नहीं था, बट मेरा बेटा है उसने, मैं मतलब बात बात कर रही थी, कुछ काम कर रही थी, वो सडनली आया और उसने बोला मम्मा ये क्या है। मुझे नहीं पता था वो एकदम से उसमें नाखून मार देगा, सो उसने नाखून मार दिया था इसमें। तो अभी उसी के लिए मैं थोड़ी सी रेमेडी कर रही हूँ, और फेस बहुत डल भी हो रखा है मेरा, सो मैंने सोचा क्यों ना ये हैक मैं आप सबके साथ भी ट्राई करूँ। तो चलो दिखाती हूँ मैं आपको मैं क्या यूज कर रही हूँ। जो हमारा पहला आइटम रहेगा वो रहेगा पपाया, पपीता जिसे बोलते हो आप सब, पपीता यूज कर सकते हो। और दूसरा है थोड़ी सी एक चुटकी आपको हल्दी लेनी है। और जो थर्ड वन है वो है गुलाब जल, ये प्योर गुलाब जल है, रोज वाटर, कोई भी इसमें मिक्स्ड ऑयल या कुछ भी नहीं है ऐसा। और इन सबको रेडी करके जो हमारे पास पेस्ट आएगा सामने वो रहेगा ये वाला। इस तरीके से आपको मैश करना है और मिक्स कर लेना है सब कुछ, और इसमें लास्ट में इस तरीके से गुलाब जल छिड़क देना है। सो इसको मिक्स कर देना आप कैसे भी करके, फोड़ लेना, पपीता है आराम से फूट जाएगा, ये सब कुछ इस तरीके से हो जाएगा। अब मैं कर रही हूँ इसको अप्लाई अपने फेस पर, उसके बाद देखती हूँ आपको ये कैसा लगता है। मैं आपको इसको लगाने का तरीका भी बता देती हूँ। मैं कुछ इस तरीके से इसको लेकर ना अपने फेस पर इस तरीके से मसाज काइंड ऑफ कर रही हूँ ताकि इफेक्ट अच्छा है, क्योंकि ये बिल्कुल अच्छे से ग्राइंड तो ऑब्वियसली नहीं हो सकता। मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगी आपके, वैसे आप कर सकते हो अगर आप चाहते हो। सो मैं तो इसको इसी तरीके से फेशियल वे में जो करते हैं हम लोग, इस तरीके से मसाज करूँगी अपने फेस को, फिर इसको थोड़ी देर के लिए हमें छोड़ देना है, पूरा कवर करना अपने नेक और सब कुछ, नेक को अच्छे से कवर करके। आप चाहो तो इसे हैंड्स पर भी लगा सकते हो अपने, जिनके टैनिंग हो हाथों पर, इस तरीके से आपको इसे यूज करना है। सो मैं इसे अपने हाथों पर लगा कर और फिर फेस वॉश करके उसके बाद मैं आपको इसका टोटल लुक दिखाऊंगी कि ये कैसा लगता है। ये है मेरा पूरा ऑल ओवर फेस, आप देख सकते हो इसमें थोड़ी डलनेस तो कम हुई है, टैनिंग कम हुई है, मैंने हाफ एन आवर बाद इसे वॉश कर लिया। सो ये जो दाग है थोड़ा सा हल्का सा लाइट हुआ है, सो आप ये डेली एक हफ्ते तक करोगे सो आपके जो भी फेस पर दाग धब्बे वगैरह हैं वो सब कुछ हट जाएंगे। आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा, और ये हैक ज़रूर ट्राई करना और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच।